वाले हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन कर्व्ड मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट इस पे आईआईटी में कई साल पहले सवाल भी आ चुके हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल भी, ज्यादा कोई लोचा भी नहीं इस टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन केस ऑफ कर्व मिरर। अब हमें पता है कि यार मिरर जो हमारा होता है वो दो तरीके का होता है। क्या क्या होता है? एक तो हमारा होता है कॉनकेव मिरर और एक क्या होता है कॉनवेक्स मिरर। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ये वाला मिरर है मेरे पास, तो ये मेरा है कॉनकेव मिरर। इस मिरर की प्रॉपर्टी बताओ क्या क्या है? ये है कॉनकेव और ये वाला मिरर क्या है? तो ये है मेरा कॉनवेक्स। अगर मैं बोलूं कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, सबको पता है यार इसका फोकल लेंथ होता है निगेटिव, और इसका फोकल लेंथ कैसा होता है? इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव। अब मुझे इमेज की वेलोसिटी चाहिए, मतलब मुझे चाहिए इमेज किस वेलोसिटी से भाग रहा होगा। एक बात बताओ, एग्जाम्पल स्टार्ट करना, समझना। मैंने बोला सपोज करो कि ये मेरा मिरर है, सपोज करो ये मेरा मिरर है। एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है? सपोज करो एक ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है, ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यू दूरी पे पड़ा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट भाग रहा होगा वीओ स्पीड से, तो डिस्टेंस यू कम रहा है, डिस्टेंस यू कम रहा है। यानी कि क्या बोला जा सकता है कि यार जो डी यू अपॉन डी टी है, कि डी यू अपॉन डी टी यही तो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डी यू अपॉन डी टी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के कम होने का रेट, यही तो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वीओ, है ना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सपोज करो इसका इमेज यहां बन गया आई, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये वीओ। अगर इमेज इधर भाग रहा है तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो डीवी अपॉन डीटी क्या है? इमेज डिस्टेंस के चेंज होने का रेट क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज है। अब मुझे बताओ कि डीयू अपॉन डीटी और डीवी अपॉन डीटी किस एक्सप्रेशन से निकाल सकता हूं मैं? मिरर फॉर्मूला तुम्हें याद है? एक फॉर्मूला होता है मिरर में, 1/v + 1/u = 1/n, याद होगा ना मिरर फॉर्मूला। अगर मान लो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने इसको कर दिया डिफरेंशिएट, सपोज करो 1/v का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? v^-1 + u^-1 = 1/f। डिफरेंशिएट किया टाइम, -1 आगे कूदा, -1 किए, v^-2 इंटू टाइम के रिस्पेक्ट में डीवी अपॉन डीटी। सिमिलरली -1 फिर आगे कूदा, फिर -1 डीयू अपॉन डीटी। ये जो 1/f है, फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो हमारे पास एक रामबाण फॉर्मूला आ गया, -1/v² = u² 1/u² du/t। हमें चाहिए यहां पर dv अपॉन dt, हमें चाहिए dv अपॉन डीटी विल बी -v² / u² du/dt। इस डीवी अपॉन डीटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ध्यान रखना, ये डीवी अपॉन डीटी होता है पोल से वी के बदलने का रेट। भाई डीवी अपॉन डीटी क्या है? यू कहां से लेते हैं अपन? पोल से लेते हैं,
यू कहाँ से लेते, पोल से लेते, वी कहाँ से लेते, पोल से लेते। तो अगर मान लो मिरर ही आगे पीछे कर रहा है, तो मिरर पे बैठ के जो हमें भागता हुआ दिखेगा वो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा पोल रेस्ट में रहे और फिर जो इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रही है उसकी बात करेंगे। यानी कि ये लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि मैंने पोल को कॉन्स्टेंट स्पीड रेस्ट में माना है। अगर पोल रेस्ट में हुआ तो फिर वी वी आई हो जाएगा, बट अगर पोल मूविंग हुआ तो फिर चक्कर है। इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, डी यू अपॉन डी टी भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। एंड व्हाट इज वी ए बी, वी ए बी इज वी ए माइनस वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर सब ग्राउंड फ्रेम में इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर सब ग्राउंड फ्रेम। ये एक्चुअल फॉर्मूला हमारा होगा, वर्किंग फॉर्मूला। यहां पे वी आई एम क्यों आया, क्योंकि सपोज करो कि ये जो पोल है, ये जो पोल है हमारा पोल, ये भी मूव कर रहा है। एक्चुअली डी यू बाई डी टी क्या है कि भाई ये पोल अगर रेस्ट में रहा तो ऑब्जेक्ट के चेंज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के चेंज होने का रेट। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट वी से भाग रहा है, वी ओ से, और ये भी वी ओ से ही भाग रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हुआ क्या? जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही चेंज नहीं हुआ तो डी यू बाई डी टी का मतलब क्या हो गया फिर? तो डी यू बाई डी टी हुआ कि ऑब्जेक्ट का इमेज से दूरी के चेंज होने का रेट। अगर पोल रेस्ट में हुआ तो वी एम अगर जीरो हुआ तो फिर ठीक है, अगर ये पोल भी मूविंग हुआ तो अपने को ये अप्लाई करना है। इसलिए जनरल फॉर्मूला हुआ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने के लिए अपने को ये जनरल फॉर्मूला यूज करना है। आगे बात सुन ली, तो अब मैं दिखाता हूं कैसे अपन क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन से हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छा ऐसा करना है, अभी हमें को ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है हमें, बट एक दो सवाल लेंगे तो अपने को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई करना क्या है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम की बात करते हैं, फॉर्मूला बस याद रखना, प्रॉब्लम की बात करते हैं। और हाँ, यहां पे साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि साइन के बिना यहां काम ही नहीं होता। जैसे कि चलो सवाल लेते हैं, मैंने बोला कि मान लो मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, फोकस की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर पड़ा हुआ है 15 सेंटीमीटर दूर पे, और मैंने तुम्हें ऐसा दिया कि ऑब्जेक्ट भाग रहा है किसी स्पीड से, मान लो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर रेस्ट पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने बोला फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट से कुछ बताना है। अगर मीटर रुका हुआ है, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मीटर जो कि जीरो है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो है। हमें यह निकालना है, हमें यह दिया हुआ है, यह डायरेक्शन में भाग रहा है, इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव लोगे, ध्यान रखना इसमें साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू। वी क्या है, वी है इमेज का डिस्टेंस। अभी फिलहाल ये 15 सेंटीमीटर पे है, तो V will be UF upon U minus F। फॉर्मूला देख लेना, वही है, U कितना है माइनस 15, F कितना है माइनस 30। U माइनस F, माइनस माइनस प्लस, तुमने काटा, जैसे काटा बताओ यहां कितना आ रहा है, तो 15 आ जाएगा, कट जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी प्लस 30। अब लगाओ यहां पे फॉर्मूला, माइनस ऑफ 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, u कितना है, माइनस 15 का स्क्वायर, स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन लो या ना लो। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, प्लस 1।
velocity of image with respect to ground will be minus 2 to the 4, 4 into 1. What does this minus sign indicate? पहली बात तो मेरा v कितना है? Plus 30. v अगर plus 30 है, तो यहाँ आ गया. ये मेरा इमेज हो गया माइनस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये पॉजिटिव था तो ये निगेटिव होगा. ये इमेज ऐसे भाग रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से. ये तरीका होता है करने का. अब वेरिएशन लाते हैं सवाल में, फिर तुम्हें पूरा क्लियर हो जाए. सपोज करो यही सवाल अपने को ऐसा देता, ये ऑब्जेक्ट है वही 15 सेंटीमीटर दूर है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से भाग रहा है. बट अब की सवाल में हमने मिरर को भी भगा दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से. अब मिरर भाग रहा है तो अपने को ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करना है. क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v square upon u square velocity of object minus velocity of mirror. ये सब ground में है. velocity of image with respect to ground minus what is the velocity of mirror? What is velocity of mirror? mirror इधर भाग रहा है, मतलब velocity negative है. minus 2 i cap. you have to take velocity with sign, otherwise this will be wrong. v square अभी निकाला है, वही सेम सवाल है. फोकल लेंथ हमने बोल दिया 30 सेंटीमीटर है, सेम सवाल है. अभी निकाला है v की वैल्यू कितनी है, 30 अपॉन 15 का स्क्वायर. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट? प्लस 1 आई कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस 2 आई कैप. velocity of image with respect to ground plus 2 i cap is equals to minus 4 3 i. यानी कि velocity of image with respect to ground will be minus 12 i minus 2 i माइनस 14 आई मीटर पर सेकंड, मतलब माइनस 14. बोले तो इमेज तो यहीं पे होगा 30 सेंटीमीटर दूर, बट इसकी जो वेलोसिटी होगी वो माइनस 14 इधर की तरफ होगी. ये सवाल को चेंज कर दिया पहले और इसका देखो बाद का आंसर में डिफरेंस होगा. तो मिरर के भागने से ये डिफरेंस आ जाता है. एक सवाल और करेंगे, हमने कॉनकेव की बात कर ली, अब एक और कॉन्वेक्स पे सवाल करते हैं, फिर अपना पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा. मान लो क्वेश्चन ऐसा है, देखना, भगा दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से, फोकल लेंथ मान लो 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट मान लो 30 सेंटीमीटर दूर पे रखा हुआ है. मुझे बोला फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये भगा दो तुम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से, सिंपली लेके चल रहे. सबसे पहला काम यू वी से, यू और एफ से वी निकाल लो. वी इज इक्वल्स टू यू एफ. यू कितना? कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव अपॉन यू माइनस एफ. यू माइनस एफ करो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यह गया 30 इंटू 15 अपॉन 45. 15 थ्री जा 10, सो v इज प्लस 10, v प्लस 10 हो गया. ठीक है, अब लो अप्लाई द फॉर्मूला. वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर
velocity of object with respect to ground minus velocity of mirror with respect to ground. हमें निकालना है ये. What is velocity of mirror? इस direction मतलब ये positive भी नहीं है, सब कुछ सही है. Plus दो. बाहर माइनस है. V square. Thus upon u. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो भी प्लस है, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर वो भी प्लस है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस टू इज इक्वल टू, ये माइनस यहां से आ गया माइनस वन, गया वन बाय थ्री का स्क्वायर वन बाय नाइन. वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी वन बाय नाइन प्लस पॉजिटिव है ना, 19 बाय 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कितना है पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोले तो इमेज बना है 10 पे, यहां पे वेलोसिटी प्लस इधर भाग रहा है. इस तरीके का सवाल अगर दे तो हमें हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सवाल है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्ट लिए, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट हुई तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा. क्यों चेंज होगा इसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे कि आखिर हाइट का सिनेरियो में क्या हो सकता है बदलाव. फिलहाल तुम्हें ये चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए कि हमने क्या लिखा है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया है. मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर.